करनाल वासियों को सीएम की सौगात, फोन ने सड़क का किया उद्घाटन, कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी किया शुभारंभ। डिप्टी सीएम दशाला ने बांटे हितलाभ पत्र, कोविड 19 राहत योजना के तहत आने वाले आश्रितों को पत्र किया वितरित, राहत योजना के तहत दी जाएगी सहायता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अभय सिंह चौटाला पर साधा निशाना, कहा अपने बयान से मुकर गए अभय चौटाला, अभय वचनवीर नहीं बयानवीर है। अहमदाबाद उपचुनाव में हार से कांग्रेस में हाहाकार, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल को नोटिस किया जारी, एक सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया फैसला, 29 नवंबर को किसान करेंगे संसद कूच, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से 500-500 किसान करेंगे कूच। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, कहा मैं पंजाब से नहीं लड़ रहा हूं चुनाव, मुझे चौधर की जरूरत नहीं, फैलाई जा रही अफवाह। और 1 दिसंबर से हरियाणा में 100% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्री कर्पा गुर्जर ने दी जानकारी, कहा कोविड नियमों का करना होगा पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। करनाल में सीएम ने कैथल सड़क फोरलेन का उद्घाटन किया, करनाल इंद्री लाड़वा सड़क को फोरलेन का उद्घाटन किया गया। सीएम ने कल्पना चावला हॉस्पिटल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि दोनों सड़कों के फोरलेन से आम जनता को राहत होगी। सीएम ने कहा कि हांसी में किसानों की तरफ से लगाए गए पक्के मोर्चे को लेकर हमें जानकारी है। सीएम ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। सीएम ने और क्या कुछ कहा जरा आप सुनिए। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है 1000 करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं, इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला है डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे स्लो गति होगी पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। मैंने कल कहा है कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है, इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल शहर के वार्ड नंबर 16 में करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने इस स्टेडियम को सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने का ऐलान भी किया और कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही करीब 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके साथ ही प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि खेल मैदान के कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी और कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हरियाणा अब खेलों का हब बन चुका है और यहां खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस मैदान का नाम हम मिल्खा सिंह जी के नाम से रख दे तो कैसा रहेगा? तो आज इसका विचार करते हैं कि सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान इस मैदान का नाम रहेगा। इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और
इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यह एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं, एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं और चार दीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। चार जो है बड़ी लाइट है जिसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ईएसआईसी कोविड 19 राहत योजना के तहत आश्रितों को हितला पत्र वितरित किए। उन्होंने जानकारी दी कि कर्मचारी बीमा निगम के दायरे में आने वाले निजी क्षेत्र के किसी कर्मचारी की मृत्यु अगर कोरोना से होती है तो आश्रित परिवार को कोविड 19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस मौके पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद थे। पंचकुला बीजेपी कार्यालय पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अहलाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत पर तंज कसा है। धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला कहते थे कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक विधानसभा नहीं जाएंगे। अभय वचनवीर नहीं सिर्फ बयानवीर हैं। अपने वचन को छोड़कर अभय चौटाला फिर से विधानसभा आए हैं। जो पत्र है वो भी आपके पास है, उनको कहा था तब तक मैं विधानसभा नहीं आऊँगा जब तक ये कानून रहेंगे। उन्होंने उनके बारे में ये कहा गया कि ये वचनवीर नहीं है बयानवीर है, अपने उस वचन को छोड़कर फिर से वो विधानसभा आए हैं। तो इसकी चर्चा वहाँ उस विधानसभा चुनाव में करती, इसी कारण से मुझे लगता है कि उनका जो जीत का अंतर वो पिछली बार से आधा रहेगा। फरीदाबाद बाईपास के साथ निर्माणाधीन दिल्ली बड़ोदरा नेशनल हाईवे के काम के चलते लोगों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में आई परेशानी को लेकर हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त नेशनल हाईवे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें हाईवे के निर्माण के दौरान लोगों को आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को हाईवे निर्माण की वजह से सेक्टरों से निकलने वाली पंचर हुई सीवेज व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए। पुराना के शाह चौखा गांव में 33 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और गांव हिंगनपुर में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गांव में पानी का चैम्बर भी लगाया जाएगा। ये बातें बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को शहीद सूबेदार नसरुद्दीन के गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद कही। उन्होंने कहा कि गांव में शहीद के सम्मान के लिए एक प्रतिमा बनाई जाए, बिजली की पुरानी लटकी हुई तारों को बदलकर नई तारें लगाई जाएं। करते हैं उसका जो लोगों ने करा पहले से उनका मार्जिन कम हुआ है। जिस इशू पे इस्तीफा दे के गए थे कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, ये एक्ट होंगे तब तक वापस नहीं आऊँगा, तो विधानसभा में वापस आ गए, फर्क तो पड़ा नहीं, मार्जिन कम करके वापस आ गए। ये तो डेमोक्रेसी है, जिसको लोग जिताना चाहें जिता देते हैं, हराना चाहें हरा देते हैं। अभी हमारे पहले जब मैंने टेक ओवर करा तो हमारे 18% जो थी लाइन लॉस 18% था, आज ये 13% हो गया और ये मार्च टू मार्च साल गिना जाता है, मार्च तक हम इसे 12% पे ले आएंगे। जब 1% कम होता है तो 380 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट का पैसा बढ़ जाता है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहलाबाद उपचुनाव के नतीजों को लेकर विधायक अभय चौटाला पर निशान साधा। दिग्विजय ने कहा कि अभय चौटाला प्रो क्लेम्ड शेयर हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कहीं भी किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला, भले ही गठबंधन चुनाव ना जीता हो लेकिन आम जन के दिल में हमने जगह बना ली। अहलाबाद उपचुनाव में हम तो जीते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने लोगों के दिल जीते हैं। जहाँ इतना भय और आतंक था, लोगों में डर था, वहाँ लोगों ने अपने वोट की ताकत को पहचान कर एक थंपिंग सपोर्ट जेजेपी बीजेपी गठबंधन को दिया है। वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेर हैं,
और दुष्यंत जी लोगों के प्यार से उनको वो व्याख्या मिली, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब उसको अपने आप को चाहे वो शेर कहें, चाहे राजा कहें, चाहे वो कुछ भी कहें, शेर तो लोगों के बनाने से बनता है, राजनीतिक शेर में कोई शेर नहीं बन जाता प्रैक्टिकल। आने वाली 18 तारीख यानी कि 18 नवंबर को जींद में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम में नरवाड़ा हलके के लोगों को निमंत्रण देने के लिए मंगलवार को जाट धर्मशाला में आयोजित किए गए कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। इसके अलावा कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, विधायक धर्म सिंह छोकस और सुभाष गंगोली सहित कांग्रेस नेता पहुंचे। जाट धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करनाल से की थी, अब दूसरा कार्यक्रम जींद में रखा गया है। जो सत्ताधारी दल है, 2 वर्ष से जो वायदे किए थे एक पूरा नहीं किया और लोगों के बीच में सरकार जा नहीं रही, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके विधायक साथियों ने निर्णय लिया कि हम हर जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और सरकार के ऊपर वो बातें सुनकर के हम असेंबली में मामले उठाएंगे और सरकार को लोगों के जनहित के कार्य करने में विवश करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल के का एक कार्यक्रम है आज। प्रदेश सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठाने का काम किया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, आज हर वर्ग त्रस्त है, किसान आंदोलन कर रहा है तो गरीब आदमी बेरोजगारी और महंगाई की चपेट में है, कर्मचारी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से छोटे व्यापारी के चौपा व्यापार चौपट हो चुके हैं। ऐसे में एक सकारात्मक विकल्प हरियाणा को अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और उस बात को लेकर कि लोगों की हम आवाज़ उठाएं। मुख्यमंत्री व लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उन्होंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है विपक्ष आपके समक्ष, इसकी शुरुआत करनाल से हुई थी, करनाल के बाद जींद में ये कार्यक्रम की शुरुआत है जो कि 18 तारीख को होगी। इसमें सभी विपक्ष के विधायक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व सांसद भाई भूपेंद्र हुड्डा जी और सभी साथी जो हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के सब लोग हम लोग इकट्ठे होंगे और आज हरियाणा की जो जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की और जजपा जी सरकार से उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल की भूमिका को नकारात्मक बताया और कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी कर दिया है। इस बार हालांकि जवाब आ चुका है। भरत सिंह बेनीवाल ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा है कि हार का कारण कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल थे, मैं नहीं। मैंने 91 चुनाव लड़ा था, 91 चुनाव में 90,000 वोटों से मैंने 32,500 वोट लिए, 32,345 आ गया थे, तो उसमें उसके बाद मेरी टिकट काट दी थी, उसमें 16,500 वोट आए थे। दूसरी बार फिर उनके मेरी टिकट नहीं मिली, फिर उसमें 19,500 वोट आए थे, इतने वोट आए थे 2 गेड़ों में। उसके बाद में 2005 में मेरे को मिली थी, मेरे को 61,000 वोट आए। गुरुग्राम साबे सिटी में छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुरुग्राम के बसई तालाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करने पहुंचे। गुरुग्राम के ओम विहार वार्ड नंबर 2 में नगर निगम पार्षद की मदद से पूर्वांचल समाज को 9 कनाल के पास जमीन आपको बता दें कि पूर्वांचल समाज को दी गई है, जिसमें पूर्वांचल समाज की तरफ से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो छठ पूजा की तैयारियां तेज हो चली हैं, हालांकि आज इसका दूसरा दिन है, आज खरना है और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा कल, उसके बाद परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से यहां पर चल रही हैं और बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस कार्यक्रम में यहां शिरकत करने वाले हैं और इसीलिए यहां तैयारियां और ज्यादा तेज की जा रही हैं। मैं
स्टैंड बाय। फरीदाबाद में छठ पूजा के पर्व पर जहां लोग खरीदारी करते हुए नजर आए तो वहीं मजदूर घाट की साफ सफाई करते दिखे। ये नजारा है प्रसिद्ध घाट खेड़ी पुल का, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां पर प्रधान अपने बजट से ही साफ सफाई करवा रहे हैं। प्रधान ने कहा है कि नगर निगम का हमारे लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इतना बड़ा पर्व है, परंतु फिर भी नगर निगम ने कोई तैयारी नहीं की है। अभी तक नहर में साफ पानी भी नहीं आया है। कुछ महिलाओं ने बताया है कि किस पर्व को अपना, क्योंकि हर पर्व का, हर त्यौहार का अपना अपना महत्व है और सभी मनोकामनाएं इस पर्व पर पूरी हो जाती हैं। आप जो भी छठ मैया से मांगते हैं वो जरूर आपको मिलता है। समाज है ये, तकरीबन 20-25 सालों से हम इस फरीदाबाद में हम लोग काम करते आ रहे हैं। तो किस तरह की तैयारियां आपकी तरफ से जो की गई हैं छठ पर्व की, और किस तरीके से ये व्रत रखा जाता है और कब ये व्रत जो है पूर्ण होगा? देखिए, ये जो छठ व्रत है बहुत एक कठिन व्रत है। ये 3 दिनों का व्रत होता है। आज तो हमारा दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। तो आज खरना है, आज लोग खीर और चावल खा के व्रत रहेंगे शाम से। और अब खबर रोहतक से है, जहां अलवर से बीजेपी के सांसद महंत बालकनाथ ने बहरोड से कांग्रेस विधायक बलजीत यादव के खिलाफ रोहतक अदालत में मानहानी का दावा पेश किया है। इसी मामले में महंत बालकनाथ अपने बयान दर्ज करवाने रोहतक अदालत पहुंचे। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 को होगी। आपको बता दें कि 7 मार्च 2021 को विधायक बलजीत यादव ने महंत बालकनाथ के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, झूठे आरोप भी लगाए थे जो कि निराधार हैं। सात तीन 2021 को बलजीत यादव ने कुछ डेफामेटरी स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट अनपार्लियामेंट्री थी और फाल्स थी। वो कुछ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई थी। उसके अगेंस्ट महंत जी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें महंत जी के यहाँ स्टेटमेंट हुई है और केस आगे पेंडिंग है। इसमें नेक्स्ट डेट 12 जनवरी 2022। जींद में धान की खरीदारी न होने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। किसान का कहना है कि नई अनाज मंडी में अपनी धान की फसल की 2 ट्रॉली लेकर आया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसान की माने तो उसका घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा है और इसीलिए वो बेहद परेशान है। तो है बासमती की तो खरीद हमारी सुचारू रूप से जारी है, लेकिन जो पीआर है, पीआर धान के बारे में कल हमें सरकार के आदेश प्राप्त हुए और उसमें वहाँ पे जो है सरकार ने जींद मंडी में पीआर की धान जो है उसकी खरीद बंद कर दी। धान की खरीद नहीं होने से मंडी में किसानों का सरकार के प्रति काफी गुस्सा है। यही नहीं, मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसके चलते गुस्साए किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धान से भरी ट्रॉली सड़क पर खड़ी कर जाम लगा दिया और इसकी सूचना पर पुलिस बल और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। रोहतक के SDM राकेश सैनी ने कहा है कि सरकार की ओर से कोई खरीद बंद नहीं की गई, केवल गेट पास जांच करने की वजह से देरी हो रही है। इधर किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर खरीद सुचारू रूप से नहीं हुई तो कोई कड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये जो धान की खरीद चल रही है अनाज मंडी रोहतक में, उससे संबंधित कुछ किसान आए थे तो उनका ये था कि खरीद नहीं हो रही। एक्चुअली खरीद तो चालू है, लेकिन थोड़े से ये निर्देश हैं कि उनको वेरीफाई कर लिया जाए, बस इसलिए थोड़ा सा किसानों को ये लगता है कि ये खरीद बंद है, लेकिन खरीद चालू है। जिस जिस किसान को आ रहे हैं उनकी वेरीफाई करने के बाद हम खरीद कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई, किसानों से भी बात हो गई है, वो भी संतुष्ट है इस चीज़ से। ये है कि 4 तारीख से इन्होंने ये कहा था कि PR की हमने खरीद बंद कर दी और हम 8 तारीख से शुरू करेंगे। कल पिने गेट पास PR के काटे, लेकिन एक भी दाना इन्होंने शरसम का ना इसका नहीं खरीदा है धान का। बिल्कुल किसान परेशान है, एक हफ्ते से मंडी में बैठा है अपने धान ने ले। हिसार में CM फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान पर रेड की है। टीम ने रेड के दौरान दुकान से 16 सिलेंडर बरामद किए। दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों से 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर गैस भरने का काम किया जाता था। दुकानदार के पास गैस भरने का कोई लाइसेंस भी नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया। CM फ्लाइंग के साथ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम भी कार्रवाई के लिए यहां पहुंची थी।
तो सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 16 गैस सिलेंडर को बरामद किया है और दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। चौंकाने वाली बात है कि दुकानदार के पास इसका लाइसेंस भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। तीनों कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, जिसे लेकर सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई है, जिसमें फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं 29 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने रास्ते खोले, वहां से 500-500 किसानों के जत्थे संसद कूच करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी स्थिति पर नाराज दिखे हैं। ठीक है, अच्छा बात। कहीं रहेंगे, बातचीत करेंगे बैठ के जी। लोग छुट्टी काट का है, दिवाली मना का है, 5-5-6-6 दिन की छुट्टी काटी, बहुत चर्चा करेंगे बैठ के। आगे डिमांड कैसे रहेगी, कैसे टेंट फटके इनको ठीक करेंगे जी। हाँ, तो ये सारी बात रहेगी। वो 12 महीने चल रही मीटिंग, सरकार के लिए चली, 7 महीने वार्ता सरकार के लिए टूट रही।